तो बादशाह ने फाइनली हनी सिंह को रिप्लाई किया है। यस, आपको पता होगा रिसेंटली हनी सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान बादशाह को ब्रूटल रिप्लाई किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि वो बादशाह के साथ कभी काम नहीं करेंगे। तो कल बादशाह का प्रखर के प्रवचन के साथ एक पॉडकास्ट आउट हुआ एंड इस पॉडकास्ट में वो हनी सिंह को रिप्लाई करते हैं। उन्होंने क्या कहा आप देखिए। आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट वॉट इज हैपनिंग विद हनी पाजी बिकॉज आई सॉ यू रिसेंटली ग्राफिक एरा में यू ट्राई टू लेट गो ऑफ थिंग्स। यार वो मेरी पर्सनल उसके लिए था, आप अपने हल्का कर रहे थे खुद को। हाँ, मतलब एक चीज मैं साथ लेके चल रहा हूँ, यू नो इट्स लाइक कैरिंग अराउंड एक्स्ट्रा बैगेज। वी वर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शंस, राइट? दिस इज वन ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस कि व्हाई डू आई नीड दिस, व्हाई डू आई नीड एनी ऑफ दिस, स्पेशली आफ्टर सच अ इलस्ट्रियस करियर। ऑल्सो कि जो हुआ था वो 10-12 साल पहले हुआ था यार। 10-12 साल में तो जो प्रॉपर्टी और डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो एक खुद ही एक मेंटल मैंने वो बना रखा है, हो गया जो हो गया। आई थिंक ही इज ऑल्सो ह्यूमन। आई थिंक उस टाइम बंदा इवॉल्व होता है, हर दिन हर साल हर हफ्ते इवॉल्व होता है। उस टाइम पे जो चीज़ें हुई थी, लेट देम नॉट डिक्टेट मी और माई एक्शंस टूडे, दैट विल बी सो फुलिश। And you think a fight can end from one side? आपने अपनी तरफ से उसको जाने दिया तो वो बात खत्म हो गई? मेरे लिए खत्म हो गई। आपके मन में नहीं है? मेरे मन में मेरे को नहीं लड़ना, मेरे को जवाब नहीं देना, मेरे को तवज्जो नहीं देनी। सबकॉन्शियसली यू जहाँ ये चीज़ आपके एक्शंस को अफेक्ट करने लग जाए, मतलब ये आपके अंदर है। तो अब नहीं है मेरे अंदर, बिकॉज आई कैन फील इट। अब मेरा जो काम है वो इट्स नॉट रिडन विद दैट। तो गाइस, बादशाह के रिप्लाई को लेकर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही थग भाई को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।